यदि आप वाकई में स्टडी करते हैं तो मैं आपके सामने साइंस के कुल 50 क्वेश्चन रख रहा हूँ, जिसमें आपको 27 क्वेश्चन के जवाब बताने हैं। यदि आपने 27 क्वेश्चन के जवाब बता दिए तो आप पढ़ाई करते हैं, यदि ना बता पाए तो सिर्फ टाइम पास करते हैं। ये चैलेंज होगा आप लोगों के लिए और ये इसका पार्ट वन होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपकी बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा 3 सेकंड का टाइम। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी राइट। दूसरा क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ऑप्शन सी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन देखिए, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है। ऑप्शन बी दाब की। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन, 1 किलोग्राम अपॉन सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके बराबर बताइए। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तेल का जो आपका एक बैरल होता है ये लगभग कितना होता है। ऑप्शन बी 159 लीटर। आठवां क्वेश्चन, निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन डी फर्मी मीटर। नवा क्वेश्चन देखिए, Q6 में क्या मापा जाता है, Q6 से क्या मापा जाता है। मे नहीं होगा यहां पे, से होगा कि क्यू Q6 से क्या मापा जाता है। ऑप्शन सी जल का बहाव। दसवां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो भैया मेरे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉप्सन। 11वां क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन सी वाट, बल का मात्रक है। ऑप्शन सी न्यूटन, कार्य का मात्रक है। तो भैया मेरे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, तो भैया मेरे कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन ए जूल। 14वां क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इकाई है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ऑप्शन डी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की। 16वां क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। 17वां क्वेश्चन देखिए, पारसेक मात्रक है, पारसेक मात्रक है किसका। ऑप्शन ए दूरी की। अगला क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर जो आपका एम्पियर होता है ये किसकी मापने की इकाई है। ऑप्शन बी विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं।
तो भैया मेरे एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कुल 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर है किसके? ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भैया मेरे किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार निम्नलिखित किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, आर्डियोमीटर। 24वां क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो होता है ये किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, उच्च ताप के। 25वां क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो भैया मेरे मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो भैया मेरे सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी, कैरेमीटर। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन बी, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भैया मैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लक्स मीटर। रडार उपयोग में आता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर क्या होगा? रडार उपयोग में आता है। ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो भैया मेरे ऑप्शन सी जो आपका ये सही हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाना में। अगला क्वेश्चन, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कैस्कोग्राफ डॉट 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 मापने का एक यंत्र है। ऑप्शन डी, पौधों में वृद्धि। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है भैया मेरे, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? आयतन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है?
ऑप्शन ए संवेग। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी द्रव्यमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल गुणनफल है, बल गुणनफल है ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? तो भैया मेरे, इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन बी गति का जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन बी यह आर से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेल से अंशत भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुख पृष्ठ क्या होगा? ऑप्शन डी परवलयी वक्र का आकार लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो भैया मेरे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी 49वां क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो भैया मेरे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।